कला संस्कृति प्रकोष्ठ के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित राष्ट्रीय अटल सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले दिवंगत बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया गया। उनका सम्मान पदक को चचेरे भाई बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने ग्रहण किए। इसके साथ ही सुप्रसिद्ध गायक उदित नारायण, भोजपुरी सुपरस्टार रहे कुणाल सिंह, भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी, भोजपुरी एक्ट्रेस सह गायिका कल्पना प्रिया, खिलाड़ी सह विधायक श्रेयसी सिंह सहित 16 बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मनोज तिवारी भी मौजूद हुए और गायक और सीनियर स्टार के अलावा शिक्षा क्षेत्र में सुपर 30 के आनंद कुमार, स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, धार्मिक क्षेत्र में किशोर कुणाल को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत और स्वर्गीय शांति जैन ने की तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते के साथ की गई। सबसे पहले लोक गायिका कल्पना पटवारी ने अटल जी की कविता मौत से ठन गई को संगीतमय अंदाज में प्रस्तुत किया। उसके बाद बॉलीवुड सिंगर पद्मश्री उदित नारायण झा ने पहले अटल जी की कविता से शुरुआत कर पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा सहित कई अन्य गीतों को गाकर लोगों का मनोरंजन किया। उदित नारायण ने बताया कि बिहार के मिथिलांचल में मेरा घर है, हम बिहार आते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे बुलाया गया। एक्ट्रेस प्रिया मलिक ने बताया की कम उम्र में मुझे सम्मानित किया गया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बात पर विवाद करते हुए बताई गई कि हर क्षेत्र में थोड़ा मोड़ा कुछ होता ही है। लास्ट में बताया गया कि पब्लिसिटी का चक्कर है। कला संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक वरुण सिंह ने बताया, लगातार अटल जयंती के अवसर पर बिहार बीजेपी कला संस्कृति की ओर से लगातार तीसरी बार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से सभी क्षेत्रों में बिहार का नाम एवं देश का नाम रोशन करने वाले कर्मयोद्धाओं को चयनित कर बुलाया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सांसद रविशंकर प्रसाद, मंत्री जीवेश मिश्रा, नितिन नवीन, पूर्व मंत्री विनय कुबिहारी, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं कोरोना काल के बाद में एक गैप के बाद में पटना आई हूं, जो कि बिहार और पटना मैं जन्मभूमि से कम नहीं समझती हूं। तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा अपने लोगों से, सब लोगों से मिलके। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे आपको अगर सम्मान मिलता है, वो कोई भी कलाकार के लिए मायने रखता है, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और भाजपा को और सांस्कृतिक जो विभाग है, प्रकोष्ठ है, धन्यवाद देती हूँ। इससे हटके बात किया है तो अभी भोजपुरी सिनेमा में बहुत उछल पुथल चल रहा है, जैसे देखे खेसारी, पवन सिंह, अक्षरा सिंह, इस सबका जो विवाह चल रहा है किसम को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, ये सब टीआरपी फंडा होता है, इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाए, इंजॉय कीजिए फिल्म को देख के, टीआरपी फंडा होता है। यस, अच्छा चलिए। नमस्कार, मैं हूं आपकी पटना की फूलझड़ी प्रिया मलिक और बहुत गर्व से कहती हूं कि मैं एक बिहारी हूं और मिथिला से आती हूं, मिथिलांचल की बेटी हूं। तो सभी के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने आज जो ये इस जो आयोजन हुआ है हमारे आदरणीय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री परम पूज्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, अटल बिहारी जी का आज जो है जयंती मनाया जा रहा है और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सौभाग्य की बात ये है कि मुझे अटल सम्मान से सम्मानित किया गया है और मैंने सोचा था पर इतना जल्दी होगा ये नहीं सोचा था, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे छोटी हूँ, मात्र 21 साल की हूँ और इतने कम उम्र में इतना ज़्यादा सम्मान मुझे मिला है, उसके लिए मैं आप सभी मेरे दर्शकों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतने बड़े बड़े महानुभावों और बुद्धिजीवों से मुझे ये सम्मान मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कोई आने वाली आपकी फिल्म? अभी रिसेंटली मेरी जो डेब्यू हुई है वो भुज मूवी आई थी, हम सब जानते हैं, जिसमें अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा थे और उस मूवी में मेरा एक वीर गाथा आया था जो कि शंकर महादेवन सर और मेरी आवाज़ में आया था। पर अभी आने वाले दिनों में आप बहुत जल्द मेरे गाने जो हैं अलग अलग मूवीज़ में सुनेंगे, तो उसके लिए आपको मेरे सोशल मीडिया को फॉलो करना पड़ेगा जो कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तो वहाँ पर आप फॉलो करेंगे तो आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अच्छा, जो देखा जा रहा है कि खेसारी लाल, पवन सिंह और अच्छा सिंह का विवाद कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, मेरा बस ये कहना है कि हम कोई नहीं होते हैं आलोचना करने वाले, जनता है वही सवारती है और वही नीचे लेके आती है। तो मुझे लगता है कि दोनों चाहे हम पवन सिंह की बात करें या हम आदरणीय श्री खेसारी लाल जी की बात करें, दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत अव्वल हैं, दोनों का योगदान जो है वो हम सब जानते हैं कि कितना रहा है अपने अपने करियर में। तो मैं किसी को बड़ा छोटा किसी को नहीं कहती, सब एक हैं और सबकी अपनी अपनी जर्नी रही है और जनता ही उनको ऊपर लेके
उनका प्यार है जनता का कि जनता ने उनको इतना हमेशा प्यार किया और हमेशा प्यार करती रहेगी, तो मेरे लिए कोई नेगेटिव कमेंट नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो वो हैं वो डिजर्व करते हैं और इससे भी आगे जाएं। और जो भी लगता है टीआरपी का चक्कर एक नहीं टीआरपी का चक्कर नहीं, मुझे लगता है कि देखिए क्या होती है ना कि हिट ऑफ द मोमेंट कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो बाद में हमें रियलाइज होता है कि अरे हमने क्या बोल दिया। तो मुझे लगता है कि अभी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, पर हाँ मीडिया ऑफकोर्स आप लोगों को थोड़ा चटपटा मसाला चाहिए होता है, तो जिसके वजह से इसको बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हिट ऑफ द मोमेंट में भाई भाई के बीच कभी कभी हमारे भी झगड़े होते हैं भाई से बहन से, फिर बाद में हम सॉल्व कर लेते, तो वही चीज़ हुआ है। तो ये कुछ नहीं है, बहुत छोटा मुद्दा है जिसको बहुत बड़े तरीके से प्रेजेंट किया गया है। बाकी जनता का प्यार था, है और उनके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच।